ओके फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे देखिए क्या है, हम लोग यहाँ एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग ले लेते हैं, इसे केबल टावर के टॉप को देखा जाता है, ठीक है, इसके टॉप से यहाँ से। चलिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो रहा, ठीक है, 60 डिग्री हो रहा, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है किसके, इसके बॉटम का, इस केबल टावर के बॉटम का, वो यहाँ पे दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है, यानी कि ये 45 डिग्री है। चलिए तो डिटरमाइन करना हाइट ऑफ द टावर, ये पूरा टावर जो है इसको एक्स सपोज कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस वाई मीटर ले लेते हैं, तो ये भी वाई हो जाएगा। यहाँ ले लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट जो है वो एक्स है, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग बी वाई। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका ए इक्वल टू में बी सी इक्वल टू में 7 मीटर हो जाएगा। अच्छा, हमारा बी डी जो हमने एक्स सपोज किया है तो सी डी कितना हो जाएगा, तो बी डी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बी सी को, यही ना हो जाएगा जी, यानी कि x माइनस का 7 मीटर, इस टोटल x में से 7 को सब लिया जाएगा, x माइनस का 7 मीटर। अब इसके बाद देखिए, ये भी हमने सपोज करा है वाई, तो ये इसी के ही इक्वल हो जाएगा वाई, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, एंगल यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे सी ई बी की, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ई बी इक्वल टू में 45 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये 45 तो यहाँ वाला भी 45 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई टेन 45 डिग्री, यहाँ टेन ही लगाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू जानते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन 45 लगाएंगे इस ट्रायंगल के अंदर, तो हो जाएगा आपका ए ई परपेंडिकुलर और बेस आपका ए बी, यानी हो जाएगा 1 इक्वल टू में 7 बाई में वाई, वाई इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, इन ट्रायंगल सी डी इसमें, इस बारे में सी डी ई में, तो टेन 60 लगाएंगे, टेन 60 लगाएंगे तो सी डी और बाई में ई सी, टेन 60 इक्वल टू में सी डी और बाई में आपका ई सी, इसका वैल्यू होता है √3 और सी डी है आपका x माइनस का 7 और y में है y, y का वैल्यू है 7। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस 7 इक्वल टू में आ जाएगा 7√3, x इक्वल टू में आ जाएगा 7√3 प्लस का 7, यहाँ से 7 कॉमन कर लेते हैं, तो 7 कॉमन करेंगे √3 प्लस का 1, यहाँ इतना मीटर, देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पर कि हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू में 7 इंटू में √3 प्लस का 1 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 29।